हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो 5 जुलाई को इंटरव्यू हुआ है उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो मैंने उन सबका वीडियो बनाया है जो आप लोग के लिए बनाया है। ये चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो था कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र जहाँ पर भी होता है वहाँ पर उसके पानी नीला रंग का होता है, तो वो क्यों होता है उसका कारण बताना है यहाँ पर। तो इसका सटीक आंसर ये होगा कि पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल के कण प्रकाश की स्पेक्ट्रम का नीला अंश बिखेरते हैं और स्पेक्ट्रम का शेष अंश वायुमंडल में से निकल जाता है, अतः केवल नीले रंग के परावर्तन के कारण समुद्र का पानी नीले रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी, या फिर शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि नीले रंग के प्रकाश के परिवर्तन के कारण समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। अगर आप पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का आंसर देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ गर्मियों में सफ़ेद कपड़े रंगीन कपड़ों की अपेक्षा अधिक आरामदायक रहता है क्यों, आखिर क्या कारण है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, आरामदायक होता है रंगीन कपड़ों की अपेक्षा। तो उसका उत्तर होगा ये कि रंगीन कपड़े ताप को अधिक अवशोषित करते हैं, रंगीन कपड़े ताप को अधिक अवशोषित करते हैं अतः शरीर पर ताप की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये रंगीन कपड़े पहनने से शरीर में ताप की मात्रा बढ़ जाती है जबकि सफ़ेद कपड़े ताप को परावर्तित करता है और शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है ताप को और शरीर को ठंडा रखता है। तो ये आपका हो जाएगा गर्मी में सफ़ेद कपड़ा कितना आरामदायक होता है, तो ये कारण सबसे बेहतर है। अगला जो क्वेश्चन था, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन देखिए पिछले वीडियो में मैंने डाला था जो कि कुछ मिस्टेक था, आंसर उसका मिस्टेक से गलत हो गया था। तो यहाँ पर उसका सटीक आंसर ये होगा कि आँत, टाइफाइड जो रोग होता है उससे प्रभावित होने वाले अंग आँत है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ। तो हिंदी में देखते हैं विभत्स रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने यहाँ हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ये सब जीके के या फिर बायोलॉजी सबका जो भी क्वेश्चन है, आविष्कार आविष्कार क्या, खोज किसने किया था, ये सब आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, इंसुलिन की। चेचक, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चेचक का टीका की खोज किसने किया था, तो जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जहाँ है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किसने भेंट दी थी, तो वो देश कौन था जिसने भेंट में दिया था, तो वो फ्रांस है। तो इसी में आगे मैंने लगा दिया है कि फ्रांस ने भेंट में दिया था। ये देखिए फेसबुक का मेरा पेज का ये लिंक दिया हुआ है नीचे, www.facebook.com/self-guided-study-center। आप चाहें तो पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ समय पर एक ग्रुप भी चल रहा है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जो पूछा गया था, भारत में प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला जिसने भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड जीता था तो वह है कुमारी रीता फारिया। एक बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू जो ले रही हैं, एक महिला भी हैं जो इंटरव्यूअर हैं जो कि बहुत ज़्यादा महिला के ही बारे में क्वेश्चन पूछा करती हैं, महिलाओं से संबंधित योजना, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन क्या है, या फिर कौन सी महिला किस पोस्ट पर है, पहली प्राथमिकता महिला कौन सी थी जिन्होंने ये किया वो किया, इस तरह की ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछती हैं। तो ये उनका ही क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो
भारतीय राज्य भारतीय राज्य यहाँ देखिए पूछा गया है। तो भारतीय राज्य मतलब कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य में से पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो है श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके बाद पूछा गया था भारत में किसी राज्य विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर का नाम बताओ। तो राज्य विधानसभा के पूछा गया है भारत में किसी भी राज्य विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर का नाम, तो श्रीमती सन्नू देवी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आप लोग तो जान ही रहे हैं कब हुआ था। तो इसमें कि और एक चीज़ ये भी है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन बन जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये छूट गया है कि कब हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो किनके किनके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, तो सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कासिम सिराजु दौला और शाह आलम द्वितीय की संगठित सेना को हराया था। मतलब कि सिराजु दौला और शाह आलम के बीच में हुआ था। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारतवर्ष में सुप्रीम बना दिया था। यही वो युद्ध है कि जिसके बाद से अंग्रेजों का मतलब कि भारत में वर्चस्व बढ़ गया था और सुप्रीम बना दिया गया था अंग्रेजों को। ये देखिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ये मेरे सारे वीडियो की, तो वो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। आप इस लिंक को नोट कर लीजिएगा। ये है इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन, गूगल पर भी आप सर्च कर दें तो डायरेक्ट सबसे ऊपर यही आएगा, लेकिन हाँ स्पेलिंग सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया वो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45 तक। अगर यहाँ पर पूछ देता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वो भी आपको याद रखने की जरूरत है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस के मित्र देशों ने जर्मनी, जापान और इटली को हराया था। किसने किसको हराया था इसमें, तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस के मित्र देशों ने जर्मनी, जापान और इटली को हराया था। इसके बाद इसका अंत जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराकर हुआ था। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और ये बन जाता है कि पहला नंबर तो ये है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने जापान पर गिराया, तो जापान के किस शहर में गिराया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से, देखिए क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्या जानते हो बताओ। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। मतलब सीपीयू जिसे हार्ड डिस्क की ऐसी मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। हिंदी का देखिए अगला क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम क्या होगा। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था किसी फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सा शॉर्टकट कुंजी है जिसका प्रयोग करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो फाइल को ओपन करने के लिए आप लोग शायद जानते ही हो कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है, CTRL+O। इसके बाद का क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, जब ये पूछा गया तो उसके बाद ये भी पूछ दिया गया कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+P है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का ये शॉर्टकट की है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया ESC क्या होता है। जो कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पर जो की होता है वो ESC की होता है। ये भी पूछा जाता है कि ESC की कहाँ पर होता है कीबोर्ड में, तो लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में होता है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि किसी भी कमांड को खत्म करने के लिए यह एक डायरेक्ट कुंजी होती है, जो कि डायरेक्ट ESC दबाने से वो कमांड खत्म हो जाती है। आगे
यदि भारत के राष्ट्रपति, तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उप राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो मतलब कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और उस समय उपराष्ट्रपति पद पर भी कोई नहीं है, वो पद खाली है, तो उस राष्ट्रपति का जो पद खाली होता है तो उनका पद के कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ से पूछा गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो मैथ का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाया है, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्योंकि सॉल्व करने पर ज़्यादा यहाँ टाइम लॉस होगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही सिर्फ लिख दिया है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी प्राकृत संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या के घन है वो उसमें से उस संख्या का वर्ग घटाने पर उसी संख्या का वर्ग हम घटा रहे हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। तो यहाँ पर 5 आएगा आंसर, आप देख लीजिए, मैं जैसे क्वेश्चन करा है उसी तरह से आप सेट भी कर सकते हैं, क्या करा है कि घन में से मतलब कोई प्राकृतिक संख्या, तो 5 वो प्राकृतिक संख्या है, इसका घन कीजिए आप, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 होता है, तो 125 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या कर रहा है, घन में से कह रहा है कि उस संख्या का वर्ग घटाने पर, तो इसी संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा, -25, 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग सिर्फ 25 होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग घटाने पर प्राप्त संख्या 100 प्राप्त होता है, तो 125 में से आप 25 जब घटाएंगे तो बराबर आपका 100 ही आएगा, तो इस तरह से आंसर से भी मिलान आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 12:5 समानुपाते, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि फिर उसके बाद अनुपात 14 का मान बताओ, मतलब कि यहाँ पर आपको तृतीय अनुपात याद करना है, तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। और ये देखिए नीचे यूट्यूब का जो मेरा सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर है, इस लिंक से आपको डायरेक्ट मेरे वीडियो तक पहुंच जाएंगे, आगे चलिए देखते हैं। बता देना चाहता हूँ महत्वपूर्ण सूचना से पहले कि जो भी मैंने वीडियो पहले अपलोड किया है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कोई भी क्वेश्चन दोहराया नहीं है, तो इसलिए आप पहले का पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को फायदा हो, आप लोग सारे क्वेश्चन तक पहुंच पाएं। और उसके अलावा एक चीज़ ये कहूँगा कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके आसपास में जो भी फ्रेंड्स लोग हैं वो उन लोग तक भी पहुंच जाए, वो लोग भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जानें और उनका भी भला हो जाए। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो के साथ मिलेंगे फिर।